हेलो एंड वेलकम, सत श्री अकाल, राम राम, सभी का स्वागत है हरियाणा एग्जाम रिजल्ट गुरु पर। मैं निहारिका आप लोगों के लेकर आई हूँ एक ऐसा सेशन गाइस जो कि आपके हरियाणा ग्रुप डी, चंडीगढ़ पुलिस, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे आज के सेशन में जो कि हमारे रिलेटेड होंगे इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे। इंग्लिश के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं, चंडीगढ़ पुलिस हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, ग्रुप डी के जितने भी पेपर होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। एंड वन बाय वन मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ एंड यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर। बट द मेन थिंग इज दैट हम लोग आज कंसेप्ट भी पूरी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है? तो कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस होंगे, अच्छी तरह से इसकी वही प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास विदाउट एनी डिले। वी आर ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, तो यू कैन ज्वाइन हरियाणा एग्जाम रिजल्ट गुरु ऑन दी टेलीग्राम। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हम लोगों को सबसे जरूरी चीज जो देखनी होती है, हमको सबसे जरूरी चीज देखनी होती है गाइस, वो होती है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस। ओके, क्या देखना होता है? इंस्ट्रक्शंस देखनी होती है कि व्हाट काइंड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस वी हैव बीन गिवन टू अस इन द क्वेश्चंस। भाई इंस्ट्रक्शंस देखनी है, कौन सी क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव अ इंस्ट्रक्शन लाइक सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस अ गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमको ऐसा ऑप्शन देखना है। देखिए आप लोगों को जहां पर समझ नहीं आएगी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को कि देखो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हुए हैं बट आप लोगों को इसमें क्या ढूंढना है, डायरेक्ट स्पीच ढूंढनी है। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, हम लोगों ने इनडायरेक्ट डायरेक्ट किया होगा, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है इंग्लिश में, स्कूल में पढ़े होते हैं, जिन्होंने देखा भी होता है कि हाँ भाई कौन से कंसेप्ट आते हैं स्कूल में इंग्लिश के, तो उनको पता है कि वहां पर दिया होता है क्वेश्चन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। बिल्कुल गाइज, रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर क्वेश्चन है आपके, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, उसमें हम लोगों ने ऐसे ही फाइंड आउट करना है इसको। आगे क्वेश्चन है, फियोना इंक्वायर्ड वेदर आई हैड गोन टू स्कूल ऑन ट्यूसडे। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फियोना ने इंक्वायर किया, ये मतलब क्या है, आप लोगों को यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म दी हुई है। आप लोगों को यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या दिया है भाई, इनडायरेक्ट फॉर्म दी हुई है। आपने इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है, इनडायरेक्ट फॉर्म नहीं दी गई, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है गाइस यहाँ पर। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच को आप लोगों ने डायरेक्ट में चेंज करना है। सो जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट ऑप्शन, देखिए ध्यान से, इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फियोना इंक्वायर्ड वेदर आई हैड गोन टू स्कूल ऑन ट्यूसडे। यहाँ पर हमको पता है ये इंट्रोगेटिव होता है, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बट परेशान ना होइए, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसको समझ कर करना है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही किस फॉर्म में है, इंट्रोगेटिव के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको भाई क्या किया गया, इनको इनडायरेक्ट इन्होंने ऑलरेडी दे दिया क्योंकि अपने वेदर भी यूज हुआ, कहीं पर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, सो इट मींस ये इनडायरेक्ट के फॉर्म में है। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर ये देखना जरूरी होगा कहाँ पर इसका क्या है, डायरेक्ट फॉर्म कहाँ पर है। वी हैव टू फाइंड आउट, डायरेक्ट नहीं, हमको इनडायरेक्ट दिया हुआ है, हमको डायरेक्ट फॉर्म पता करनी, डायरेक्ट कहाँ है, डायरेक्ट स्पीच। डिड यू गो टू स्कूल ऑन ट्यूजडे, फियोना आस्क्ड मी, या फिर आएगा आर यू गोइंग टू स्कूल ऑन ट्यूजडे, फियोना इंक्वायर्ड, या फिर कहेगा हैज यू बीन गोइंग टू स्कूल ऑन ट्यूजडे, फियोना आस्क्ड मी, या फिर वेयर आर यू गोइंग ऑन ट्यूजडे, फियोना। अब दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा कि कैसे इसका भी आंसर होगा ना, हम लोगों का भी हो सकता है ऐसे। अब देखिए गाइज हमारा यहाँ पर क्या आया, इनडायरेक्ट फॉर्म में हम लोगों को इनडायरेक्ट में हमको हैड दिया गया। ठीक है, पहले हम देखिए, चाहे आपका एक्टिव हो चाहे आपका गाइज एक्टिव टू पैसिव वॉइस चेंज करना होता है, ठीक है, या आप लोगों का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट रहता है, ऑलवेज जो फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस जो होना चाहिए गाइस वो होना चाहिए वर्ब पर। किस पर होना चाहिए, वर्ब पर। वर्ब देख लेंगे तो हमको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, कि कहाँ से कैसे चेंज हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास वर्ब जो है हैड और गोन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रही है पास्ट परफेक्ट, यहां तक आपको समझ आया होगा, हाँ भाई पास्ट परफेक्ट हैड गोन लगा हुआ है तो पास्ट में है। ठीक है, अब दिमाग में ये चीज आप लोगों ने रखनी है कि हैड गोन कहां पर इनडायरेक्ट में आता है, पास्ट में, पास्ट
ठीक है ना, हैड गोन पास्ट परफेक्ट जो है ये कब आता है आपका? तो पास्ट परफेक्ट हैड गोन आपका तब आएगा जब आपको डायरेक्ट स्पीच किसमें दी होगी, सिंपल पास्ट में दी होगी। थोड़ा सा टफ लग सकता है, कोई बात नहीं है, सुपे से समझेंगे। मैंने कहा पास्ट परफेक्ट तब आएगा आपका इनडायरेक्ट में जब आपके डायरेक्ट स्पीच में गाइज आपको सिंपल पास्ट दिया हो। तो सिंपल पास्ट, वेयर इज द सिंपल पास्ट हियर? जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कहां पर है सिंपल पास्ट। पहचान क्या होती है, पहले आप लोगों के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, अगर सिंपल पास्ट है तो इसकी पहचान कहां से पता करेंगे? तो पहचान गाइस आप लोगों की सिंपल पास्ट की ऑलवेज अपने माइंड में हमेशा बरकरार रखिए कि आपकी डिड होता है। यहां पर क्या लगता है आपका? डिड लगेगा, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगी होगी। तो फाइंड आउट क्या करेंगे, अब चुपचाप ये देखेंगे कि डिड कहाँ लगा है। डिड यू गो टू स्कूल आया ऑन ट्यूजडे, फियोना आस्क्ड मी आर यू गोइंग टू स्कूल ऑन ट्यूजडे, तो आर कहाँ लगता है मैम? ये तो प्रेजेंट में लगता है। सो इतना तो हमको पता है ना थोड़ा सा भी, कि पास्ट प्रेजेंट का तो पता होता है कि पास्ट में वॉज वर्ब आता है और आपका जो एक पास्ट में आपका वॉज वर्ब आता है और आपका जो प्रेजेंट होता है उसमें इज एम आर आता है। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट होता है उसमें आपका हैड आता है, इतना हमको पता है। आगे गाइस आता है वेयर आर यू गोइंग, डी ऑप्शन। अगेन यहाँ पर हमें क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो आर जब आ रहा है तो हमको यहाँ पर ये सोचने वाली चीज हो गई कि ये जो आर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो अगेन ये क्या हो गया भाई, प्रेजेंट हो गया। तो ये भी हटा दीजिए, अब क्या हटाएंगे हम लोग, और क्या हटा सकते हैं, बी ऑप्शन भी हटा सकते हैं। अब दिमाग में हमारे डिड भी आ रहा है, सी ऑप्शन भी आ रहा है। अब आप लोग गाइस मुझे जरा ट्राई कीजिए और बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा आंसर आप लोगों का सही जाएगा, बताओ। मैंने दो ऑलरेडी आप लोगों के लिए एलिमिनेट कर दिए, अब गाइस आप लोग ट्राई कर सकते हैं, यू कैन गिव मी द आंसर कि हाँ जी मैम जो दो ऑप्शन बचे हैं उनमें से कौन सा सही हो सकता है। देखो मैंने कहा था कि भाई डिड होगा तो आपका इनडायरेक्ट में क्या आता है, आपका पास्ट परफेक्ट आता है। जल्दी से बताओ फिर क्या होगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन क्या लोगे? तो जितने व्यूअर्स हैं जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा राइट ऑप्शन। तो दिमाग अब कह रहा है कि मैम हो सकता है यहाँ पर हमारा जो राइट बनेगा वो बनेगा राइट ऑप्शन डिड यू गो टू स्कूल ऑन ट्यूजडे। लग बहुत ज्यादा हमको टफ लगेगा, ठीक है, लग रहा था कि बहुत ज्यादा टफ होगा, बट इजी कहाँ से हो गया जब आप लोगों ने ये देखा, सिर्फ डिड से देखा आप लोगों ने, अरे यहाँ तो हेड गोन लगा था और डायरेक्ट में हमारे पास क्या होता है, डिड होता है। सो इन दिस वे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। तो चलते हैं आगे, अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन, जैसे आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं उस पर भी आप लोग मुझे कमेंट कर पूछोगे, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, यू कैन गिव द कमेंट, यू कैन आस्क मी, आई विल यू नो गोइंग टू रिवर्ट दैट कमेंट, मैं उसका जो है आंसर देना पसंद करूंगी, ठीक है। सो आप लोग जो है कोई भी कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो, अगर रिकॉर्डेड वीडियो भी जो बच्चा देख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, शानोज इनक्यूसिटिव माइंड, कौन सा वर्ड आया, इन क्यूसिटिव आया, कौन सा वर्ड आया है, इनक्यूसिटिव माइंड कुड नॉट एक्सेप्ट द सीमिंगली इंजीनियस रिप्लाई ऑफ द मैन एंड ही रिजॉल्व टू सॉल्व द मिस्ट्री टू मिटिगेट द पेन ऑफ द ओल्ड कपल। शानूज इनक्यूसिटनेस, भाई देखिए इनक्यूसिटिव माइंड, इनक्यूसिटिव माइंड जो है किस वर्ड से बना है, यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है हमारे पास, वोकैबुलरी भी सीखनी है हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी। ये जो आपका इनक्यूसिटिव वर्ड होता है ये बनता है आपका इनक्यूशियस से, इनक्यूशियस से, ठीक है गाइस, किससे बनेगा, इनक्यूशियस, ठीक है, एक वर्ड आएगा इसी, यहाँ पर रुकिए, इनक्यूशियस एक वर्ड आता है, इनक्यूशियस का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। दिनेश स्वागत है आपका, मैं बढ़िया हूँ, अच्छा मैं काफी दिनों बाद दिख रही हूँ बच्चे, हाँ शायद एक्चुअली क्या हो रहा है हमारे चैनल पर थोड़ी सी क्लासेस जो है अल्टरनेटिव डेज पे लगती है, जैसे कि आज हमारी इंग्लिश की क्लास लगी है और कल बच्चा लगेगी कल जो क्लास लगेगी हमारी जो लगेगी वो होगी हिंदी क्लास इसी समय पर, और आपके हाँ मिस यू टू गाइस, मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं खुद बहुत मिस करती हूँ आप सभी को, जब एक दिन भी मैं क्लास में आप लोगों को अटेंड ना कर पाऊँ, तो आई होप आप बढ़िया होंगे। चलिए तो इनक्यूशियस वर्ड से हमारा बनाया इनक्यूसिटिव, तो इनक्यूसिटिव और इनक्यूसिव क्या होता है, इनक्यूसिटिव होता है जब हम लोग अन्यायपूर्ण हो माइंड आपका, बैड माइंड हो, अच्छे ख्याल ना रखे गए हो माइंड में, तो उसको इनक्यूसिटिव कहेंगे, ठीक है। शानूज इनक्यूसिटिव माइंड कुड नॉट एक्सेप्ट द seemingly ingenious reply of the man and he resolved to solve the mystery to mitigate the pain of the old couple.
ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा जल्दी से बताइएगा। शानूज इंक्यूजिटिव माइंड कुड नॉट ऑफ द मैन एंड ही रिजॉल्व टू सॉल्व अ मिस्ट्री टू मिटिगेट द पेन ऑफ द ओल्ड कपल। क्या बन सकता है हमारा राइट ऑप्शन? तो क्या फाइंड आउट करना था? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कुछ भी नहीं फाइंड आउट करना हमको, सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? स्पेलिंग जिसकी गलत है। तो दिनेश कहाँ पर लग रहा है कि आपको स्पेलिंग गलत हो सकते हैं कहीं पर इस पूरे सेंटेंस में? किसके स्पेलिंग गलत लग रहे हैं? अच्छा देखो गाइस, हम लोग जो है ना इसमें दो चीजें याद रखना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना स्पेलिंग एरर वाला या कुछ भी, आप लोगों ने हमेशा अपने माइंड में एक चीज रखनी है, जो वर्ड्स आपके लिए नए होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसके ही स्पेलिंग गलत होते हैं, क्योंकि उसके ही वर्ड के हम लोग श्योर नहीं होते। तो उन्हीं वर्ड्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। अब यहाँ पर आया इंजीनियस, ठीक है, एक वर्ड आता है इंजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये देखिए डी ऑप्शन है, तो यहाँ पर जीनियस की स्पेलिंग क्या होते हैं मैम? जीनियस की स्पेलिंग में तो आए आता है कि नहीं आता? हाँ जी मैम, दिनेश बताओ क्या आएगा आपका? एक्सेप्ट द सीमिंगली इंजीनियस रिप्लाई। अच्छा यू वॉन्ट कि मैं वहां पर ले लू, राजस्थान में भी क्लास ले लू? अगर आप चाहते हैं तो बताइए, मैं जरूर बात करती हूँ। मैं राजस्थान पर भी अपनी क्लास लगाती हूँ, ठीक है, राजस्थान एग्जाम रिजल्ट के ऊपर। मुझे तो मजा आता है, देखिए जहां से भी बच्चे आते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट मतलब हम लोग डाइवर्सिटी से, हम कहते हैं डाइवर्सिटी को हमेशा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट इज रियली पॉजिटिव। अगर मैं पंजाब पर पढ़ाने का मौका मिलता है तो पंजाब में पढ़ाना चाहूंगी, अगर मुझे राजस्थान बंगाल में पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मैं वहां पर भी पढ़ाऊंगी, बिकॉज पता लगता है, मजा आता है बच्चों को जानना। दिस इज यू नो पैशन ऑफ टीचिंग मेरा, दैट्स व्हाई मैंने इस पैशन को चूज किया हुआ है। अलग अलग लोगों को जानते हैं, हम अपना संदेश दे सकते हैं बच्चों को, कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों को मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम हेल्पफुल हो जाए किसी भी चीज में तो ड्यूटी है ना, हम तो सर्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा मैम, डीडी मतलब क्या भाई बताओ? दिनेश चाहते हुए राजस्थान पर भी पढ़ाऊँ तो मैं आ जाती हूँ, वहां पर भी पढ़ा लेती हूँ। We were reluctant to leave the relative safety of our hotel. ठीक है, तो एक वर्ड आता है गाइज हमारे पास, जियोपैरडी, ठीक है, जियोपैरडी। जियोपैरडी का भाई मतलब क्या होगा? जियोपैरडी क्या होता है? डेंजरस। इसके लिए क्या रखेंगे हमारे दिमाग में? डेंजरस। डेंजरस का गाइज यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि याद कैसे करना है ये वर्ड, ठीक है। डेंजरस होगा और रिस्क होगा, याद रखिए। जियोपैरडी क्या होता है? रिस्क और डेंजरस। डेंजरस होता है कोई चीज डेंजर, खतरा है ना, खतरे पूर्वक, खतरा पूर्वक हो जाए। जियोपैरडी होता है रिस्क हो गया, ठीक है, पक्का 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 दिनेश पक्का। चलिए गाइस एक मिनट, चलिए सेफ्टी लीव रिलेटिव या रिलेटिव या फिर लक्टेंट क्या आएगा बेटा? जियोपैरडी। जियोपैरडी का आपने क्या फाइंड आउट करना है गाइस दिमाग में? मैम हमारे अब आएगा एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है? विपरीत अर्थक शब्द, ठीक है। तो आपको लगता हो रिस्क डेंजरस, मैंने बता दिया कोई चीज बहुत ही डेंजरस होती है, तो अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो अपोजिट है। सेफ्टी लीव रिलेटिव रिलक्टेंट, कौन सा जो ऑप्शन है वो अपोजिट है जियोपैरडी? देखिए यहाँ पर जो होगा वो होगा सेफ्टी, विदाउट एनी डाउट। बहुत बढ़िया दिनेश, हमको एक बार वर्ड तो पता चल जाए और हम लोगों को क्या होता है, हमको मैम याद हो जाता है। अच्छा चलो, सेफ्टी सभी को याद होता है, पर जियोपैरडी कैसे याद होगा कि मैम जियोपैरडी का मतलब क्या होता है? रिस्क होता है, डेंजरस होता है। जियो की सिम लेते हो? हाँ जी मैम, ठीक है, हाँ जी। तो आप लोग या तो याद रखो जियो की जो सिम है उस पर जो रिचार्ज होगा आगे आगे क्या हो रहा है भाई? महंगा हो रहा है। पहले उन्होंने कहा जियो की सिम लो, याद कैसे करोगे? उन्होंने कहा था कि जियो की सिम ले लो, आप लोगों का लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। जियो की सिम ली है तो लाइफ टाइम फ्री नहीं हुआ, अब रिचार्ज हो गया महंगा, तो रिस्क लिया जियो की सिम लेकर, तो जियो पैरेडी हो गई, ठीक है। यहां से याद रखेंगे, कोई भी आप लोग निमोनिक्स बना सकते हैं, कहानी बना सकते हैं तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जहाज में पैर डूब जाते हैं तो वो भी क्या हो गया भाई? पैर जो है जहाज में डूबने लग पड़े, ठीक है, पैर लगते हो जहाज में तो क्या हो जाएगा भाई? वो भी रिस्क हो गया आपका। तो जियो पैरेडी वहां पर आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं।
बात नहीं दिनेश, एक बार ट्राई करो, खुद ब खुद आपकी इंग्लिश जो है सही हो जाएगी. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. भाई यहाँ पर आपको कुछ क्या दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं. यहाँ पर दिया हुआ है रिट्रीट, दिया गया है रिलेट, दिया गया है रिकिंडल, रिकिंडल है वर्ड, रिलैप्स है, ठीक है, री री लगा, दोबारा दोबारा, यस और नो? ठीक है, जहां पर आपका बेटा री री लगा, समझ रहे हो, री री लगा हुआ है, तो मतलब क्या है, दोबारा दोबारा रीप्ले हो गया, कहते हैं रीप्ले कर दो, है ना. तो री का मतलब क्या होता है, दोबारा. हाँ, फॉल बैक और सिंक अगेन इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, क्या हुआ आपका, रिट्रीट होगा, रिलेड होगा, रिकिंडल होगा, रिलैप्स होगा, बताइए जल्दी से. क्या कि फॉल बैक और सिंक अगेन, अगेन डूब जाना, इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इम्प्रूवमेंट, मतलब क्या है, बंदा कोई दोबारा से डूब जाए, ठीक है, डूबा हुआ है, सिंक से याद रखना, सही था, डूब कर वो ऊपर आ गया, दोबारा से डूब जाए, ठीक है, सही था वो, मतलब रिकवर हुआ कोई इंसान, उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर क्या हो गया भाई, दोबारा से वो उसी पोजीशन में पहुंच गया, उसी प्रॉब्लम में पहुंच गया, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं, रिट्रेट हो गया, रिलेड हो गया, रिकिंडल हो गया, रिलैप्स हो गया. गाइस क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा रिलैप्स, ठीक है, रिलैप्स याद रखिएगा, क्या होगा यहाँ पर वर्ड, रिलैप्स होगा. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया दिनेश. दिनेश आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं जरूर बताना, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता. तो याद रखो, री से याद रखना है, री से दोबारा, है ना. उन्होंने कहा सिंक होना, दोबारा से डूब जाना, भाई कैसे डूब गया, दोबारा से फॉल बैक, गिर गया, है ना, गिर गया हो, या फिर मतलब दोबारा से उसकी पोजीशन फिर से वही खराब हो गई हो, ठीक है, तो कहेंगे रिलैप्स, ठीक है, लेट जा, दोबारा से लेट जा, मतलब रिलैप्स से याद रखना, ठीक है. अच्छा एक वर्ड आता है यहाँ पर, रिट्रेट. रिट्रेट का मतलब क्या, रिट्रेट, रिट्रेट का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर होगा दोबारा से ओपिनियन, आप दोबारा से क्या दो, किसी को ओपिनियन देते हो, रिट्रेट आप लोग दोबारा से किसी को ओपिनियन दे, वो क्या हो गया, रिट्रेट हो गया. रिलेड क्या होगा, रिलेड क्या होगा, है ना, दिमाग में ये आ रहा होगा, दोबारा से रिले कर दो, देरी कर देनी. रिकिंडल होता है, ये रिकिंडल जो होता है मतलब इसका क्या होता है गाइस, मतलब होता है फिर से जलना, याद रखो हमेशा. रिलेड का मतलब, रिलेड का नहीं, रिकिंडल का, रिकिंडल का मतलब क्या होता है, फिर से जलना. अच्छा किंडल से याद रखना, किंडल का मतलब होता है फायर, किंडल का क्या मतलब लोगे, फायर लोगे, और फिर से फायर हो, फिर से जलो, तो क्या हो गया आपका, रिकिंडल हो गया, रिलैप्स क्लियर हो गया होगा, है ना. चलिए एक वर्ड आता है ल्यूडिक्रस, कौन सा वर्ड है, ल्यूडिक्रस वर्ड है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिनोनियम फाइंड आउट करना है. अच्छा मैं दिनेश ये बताओ, रिजल्ट गुरु 2.0 पर क्लासेस लगाते हो कि नहीं लगाते, जीडी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे एसएससी जीडी की, तो वहां पर रिजल्ट गुरु 2.0 पर क्लासेस लगती हैं, इंग्लिश की भी क्लास लगती है आपकी, रोज की रोज 5 बजे क्लास होती है मेरी 5 PM पर, तो बिल्कुल भी ज्वाइन करना नहीं भूलना 5 PM पर मुझे, रिजल्ट गुरु 2.0. ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस का आपका क्या मतलब होगा, सिनोनियम क्या है, इंट्यूशिटिव, या फिर इंट्रिंसिक, एस्ट्यूट, क्रेजी. ठीक इसी में प्रोनाउंसिएशन की है कंफ्यूजन, सो मैं क्लियर करूंगी. इंट्रिंसिक, एस्टुएट, क्रेजी, क्या होगा गाइस यहाँ पर. अच्छा अब दिमाग में आ रहा हो कि मैम ये बताइए हमको एस्टुएट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, बहुत बेतुका, कोई मतलब नहीं है जिस चीज का वो कर रहा हो कोई इंसान, ठीक है, वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका होगा ludicrous, ठीक है, बेहद बेतुका, नॉनसेंस, ठीक है, वो क्या हो गया, ludicrous हो गया. अब आपका आएगा astute. astute याद रखो, बहुत ही ज्यादा, ए तू बहुत स्मार्ट है, ठीक है, ए तू बहुत चालाक है, तो चालाक याद रखना, चालाक ब्रो, चालाक कहते हैं ना आजकल, बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में, ठीक है. क्रेजी, तो बहुत बेतुका हो कोई चीज, वो इंट्रिंसिक होगी, इंट्यूटिव होगी, या फिर इंट्यूटिव होगी, या फिर आपका आएगा क्रेजी, कौन सा वर्ड होगा बेटा, सिनोनियम क्या होगा,
इसका सिनोनियम क्या होगा? इंट्यूटिव होगा, इंट्रेंसिंग होगा, एस्ट्यूटी होगा, या फिर स्टूट होगा, या फिर क्रेजी होगा? क्रेजी कहा, बहुत बेहद बेतुका। तो बेतुका नॉनसेंस बातें कौन करता है भाई? नॉनसेंस बातें तो वही करता है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या होता है, एकदम नॉनसेंस बातें वही करता है जो क्या होता है, क्रेजी होता है ना? तो वही क्या होगा आपका, लिडिट्रस का क्या हो जाएगा, क्रेजी आपका सिनोनियम आ जाएगा। कहीं पर भी ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं, तो परेशान नहीं होना, ठीक है? होमोनियम फाइंड आउट करना है, करेक्ट होमोनियम, ठीक है? अब एलडीसी वालों ये याद रखो, बहुत बढ़िया दिनेश। अच्छा दिनेश के अलावा भी कोई क्या क्लास देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये बताओ मुझे। अच्छा जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे ग्रुप डी किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, होमोनियम पता होना चाहिए आपको, ग्रामर का होमोनियम क्या होता है और होमोफोन क्या होता है, ठीक है बच्चा? ये आप लोगों को बिल्कुल गाइस पता होने चाहिए। होमो से याद रखो, होमोजीनियस पता होगा, होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस होता है बेटा होम से लिए गए हैं, समान समान, इक्वल इक्वल, है ना? वर्ड जो होते हैं वो होमोफोन हो गया। जैसे कि होमोफोन क्या होता है, मैं कह दूं ये वाला, मैं कह दूं गाइस आपको एक वर्ड कह देती हूँ, जैसे मैंने कहा एक, मैं कह दूं सेल और मैं कह दूं सेल, ठीक है? अब इस सेल का मतलब, साइंस वाले सेल होते हैं हमारे कम हो जाते हैं, है ना? कई बार हमारे प्लेटिस कम होते हैं ना, प्लेटल कम हो जाते हैं, हम लोगों को बुखार बहुत चढ़ता है, तो वो वाले सेल हो गए। ये सेल होता है बेचने वाला, तो ये क्या हो गया गाइस, होमोफोन हो गया। होमोफोन क्या होते हैं, जहां पर आपको लगे कि स्पेलिंग्स अलग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग भी अलग अलग है, ठीक है? मीनिंग स्पेलिंग अलग अलग और प्रोनाउंसिएशन सेम, दैट इज कॉल्ड होमोफोन, ठीक है बेटा? अब तो ये होमोफोन हो गया। फिर आया हमारा होमोनियम, कौन सा वर्ड आया गाइस हमारा, मैम हमारा आ गया होमोनियम आ गया। तो होमोनियम में क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है ये वाला वर्ड, ये क्या है? अच्छा जो बताओ, आप लोग मुझे बताओ कमेंट कर कर, आप लोग बताओ इसमें क्या होगा, स्पेलिंग सेम सेम होंगे, प्रोनंसिएशन सेम सेम होंगी, बट मीनिंग यहाँ पर एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग बन जाएंगे, बताओ कौन 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 बताएगा मुझे, कमेंट कर गाइस बताइएगा कौन कौन से भाई इसके मीनिंग बन जाएंगे। इस दो वर्ड दे दिए गाइस मैंने आपको, बैंक दे दिया, ठीक है? दो वर्ड दिए हैं बैंक, बैंक मैंने कहा ऐसे भी यूज करो वैसे भी यूज करो। चलो बताओ कौन बताएगा मुझे, कैसे हम लोग इनको बना सकते हैं सेंटेंस को, एक आधा सेंटेंस बनाइए, सभी बनाओ एक आधा सेंटेंस बना दो बेटा इसका, बैंक का कौन बनाएगा, किसकी भाई थोड़ा बहुत इंग्लिश का आइडिया है जिसको, चैलेंज ही है मैम की तरफ से, देखें तो सही कितना तुम लोगों को पता चलता है। बैंक के दो सेंटेंस बनाने हैं, बट उस बैंक के जो भी दो सेंटेंस बनाओगे उसमें मीनिंग अलग अलग हो बैंक का। Nobody is here, कोई भी नहीं बता सकता, इतनी इंग्लिश खराब है हमारी क्या? ऐसे कैसे चलेगा गाइस, पेपर है, एग्जाम है, सीरियस हो जाओ, तैयारी कैसे करोगे आप लोग? बैंक और किनारा, ठीक है मैंने कहा सेंटेंस बनाओ दिनेश, है ना? सेंटेंस बनाओ बच्चे, रवि बिल्कुल लेट हो गए बेटा आप तो। मैंने कहा सेंटेंस बनाओ, दो बैंक है यहाँ पर देखो वेनिवाल, दो बैंक है मेरे पास, ठीक है? एक बैंक आपने किसी और सेंटेंस में यूज करना है, एक जो बैंक है किसी और मीनिंग में यूज करो। चलो गाइस बताओ, फिर आप लोगों को होमोनियम क्लियर होगा, ऐसे नहीं होगा, जब आप लोग एग्जाम्पल देते हो तो आप लोगों को क्लियर होता है। और जिसको जिसको सेशन अच्छा लगता जा रहा है ना, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। कितना टाइम हो गया आप लोग देख ही जा रहे हो ना, कितने मिनट हो गए हमारी वीडियोस को मुझे लगे हुए, और आप लोग देखते रहे हो एक बार भी लाइक नहीं किया। मैम बैंक जो होता है वो एक किनारा होगा, एक बैंक एक अलग होगा। अच्छा पता है, चलो बताऊंगी जल्दी से, नहीं सेंटेंस के रूप में, ये भाई मुझे कहा गया था मैम थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इंग्लिश का, तो मैं लेवल ही बढ़ा रही हूँ, मैं कहती हूँ अपना भी लेवल बढ़ाओ, आप लोग सेंटेंस बनाओ एक आधा, चलो ट्राई करो। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर आएगी मैं मानती हूँ, बट कहीं तो ग्रामर बोलनी पड़ेगी ना, स्पोकन तो हमारी थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कैसे ही रहना हमने, इंटरव्यू पे जाओगे गाइज आप लोग। देखो
यहाँ पर आप लोगों का इंग्लिश का सफर यहाँ पर नहीं खत्म हो जाता। मान लीजिए आप लोगों ने इंग्लिश को पढ़ लिया आज, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पढ़ लिया आप लोगों ने, आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है, मुझे पता है आपको क्लियर हो रहा है मीनिंग, होमोनियम का मैंने बताया कि कहाँ पर एक एक है ना। अब अगर हम लोग सेंटेंस ही नहीं बोलते तो यहां से पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, नंबर आ गए आपके, इंटरव्यू देने हैं कि नहीं देने। हाँ जी मैम, तो पहले तो आपसे पूछा जाएगा जस्ट डिस्क्राइब योर सेल्फ। तो कैसे डिस्क्राइब करोगे अगर हमको इंग्लिश के वर्ड्स ही नहीं आते होंगे, वी डोंट हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश, तो फिर खत्म, खलास, काम खत्म हमारा वहीं पर ही। चलिए बताइए जल्दी से, मैंने कहा बैंक को लेकर सिर्फ, अच्छा चलो मैंने दो कह दिए, तुम लोग एक बनाओ, एक ही सेंटेंस बनाओ। आई वेंट टू द बैंक, वेरी गुड, मैं बैंक गया था। इसके अलावा एक बैंक और बनाओ, वाओ वेरी वेल, बहुत बढ़िया। देखा एक ने एक, देखो गाइस बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ये सुना होगा आप लोगों ने, तो वही तो बात हो गई। एक ने कहा कि ताजमहल जो है वो बैंक कहाँ पर है, किनारे पर है यमुना के, ठीक है, ताजमहल वॉज ऑन द बैंक। वॉज कैसे हो गया, ताजमहल अब नहीं है। अब भी तो है ना, तो वॉज कैसे हो गया बताओ, यहाँ पर गलत हो रही है ना बोलने में या लिखने में हम लोग। दैट्स व्हाई थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करा करो, ठीक है, इंग्लिश की। चलो अच्छी बात है आप लोगों ने एफर्ट किया, चलो आइडिया तो आया आप लोगों को, क्लियर हो गई ये चीज, है ना। तो मेन तो हमारा मकसद क्या था, क्लियर करने का था, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। तो ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एट द बैंक ऑफ द रिवर की ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, स्टिल कंफ्यूजन इज देयर। ओके अच्छा, तो किसने कहा आई वेंट टू द बैंक, मैं बैंक गया था, क्लियर हुई ये चीज। हाँ जी मैम, तो क्या हुआ, द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज। अब यहाँ पर एक बैंक हो गया किनारा, हो गया एक बैंक, हो गया प्लेस, हो गया जहां जाते हैं। स्पेलिंग सेम, यस मैम। प्रोनाउंसिएशन सेम, यस मैम, बट द मीनिंग्स आर समथिंग एल्स, ना मीनिंग इज समथिंग एल्स, इसका मीनिंग अलग हो गया। एक सेंटेंस में कैसे यूज किया, एक सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या आ रहा है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, हो गया होमोफोन क्या है, होमोनियम क्या है। अब मुझे पता है पूरी लाइफ में आप लोगों को कभी भी धोखा नहीं मिलेगा इस चीज में। द विंड डैश सो पावरफुली दैट द डोर क्लोज्ड, भाई इतनी जोर से हवा चली, इतनी जोर से कि जो डोर था, दरवाजा था, वो बंद हो गया। ब्लू, ब्लू, ब्लो, ब्लूज, ब्लूज क्या होता है भाई, ब्लू होता है वर्ड, हमको तो पता है ब्लू होगा कि ब्लो होगा। तो यहाँ पर दो चीजें आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, यहाँ पर आपका ब्लो भी होगा, ठीक है, बट अगर ब्लो के साथ आपका एस हो जाए, कैसा नहीं है रवि, मैं तो आपको कॉन्ट्रडिक्ट यहां पर कह सकती हूँ, ताजमहल जो है अभी भी है बैंक के वहां पर, यमुना जो है ना, यमुना किनारे ही बसा हुआ ताजमहल, लेकर आई थी मैं कुछ दिन पहले ही, वहीं पर है, तो मैं इजी कहूंगी इसको। सिचुएटस, सिचुएटस, ठीक है, वो वर्ड होता है यहाँ पर। The wind dashed so powerfully that the door closed. Blue आएगा, blow आएगा, क्या आएगा guys? यहाँ पर homonym find out करना है, तो blue, 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 blue. Homonym क्या है? ये होगा, ठीक है? कौन सा homonym होगा? ये वाला होगा, blue, ये वाला आएगा कि ये वाला blue आएगा? अब बताओ, कौन सा आएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। Done, done. This is right one. बताइए गाइस कौन सा आएगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। ब्लू, ऑब्वियसली ब्लू एक कलर होता है ना, मैंने होमोनियम कहा है, होमोफोन नहीं कहा, फिर भी क्लियर हो जाओ, एक बार क्लियर हो जाओ गाइस, ये वाला आएगा, ठीक है, कौन सा वर्ड आएगा आपका, ये वाला आएगा विदाउट एनी डाउट, इसको इसको पता ही नहीं है भाई किसके बारे में, जिसको पता ही नहीं है कि ब्लू क्या होता है या होमोनियम क्या होते हैं, होमोफोन क्या होते हैं, इसका तो आंसर वो भी दे सकता है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, पर आप लोगों को क्लियर करना भाई हमारी जिम्मेवारी होती है। आगे क्या हो गया, सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर में दिए हुए हैं, यू हैव टू मेक देम इन अ ऑर्डर, इनको ऑर्डर में बना दीजिए, ठीक है, एक सेंटेंस को रीअरेंज, इसको एक पैराग्राफ को रीअरेंज करना है। टू थिंक दैट अ कंप्यूटर वुड वन डे रिप्लेस अ बुक इज इंडीड अनथिंकेबल एंड फार फेच्ड, तो अगर आप सोचते हैं कि जो कंप्यूटर है बुक्स को रिप्लेस कर देंगे तो ये इंडीड अनथिंकेबल है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, बहुत ही बहुत दूर की सोच है आपकी, ऐसा होगा नहीं। द थॉट्स एंड आइडिया कंटेन्ड इन बुक आर इमॉर्टल लाइक,
तुलसीदास रामचरितमानस, वेदव्यास, महाभारत, ठीक है, जो उन्होंने द बाइबल में किए गए हैं, जो बाइबल है उसमें जो आइडियाज हैं, वेदव्यास की महाभारत में जो आइडियाज हैं, या फिर तुलसीदास की रामचरितमानस में जो आइडियाज हैं, वो बहुत ही ज्यादा इमोर्टल है, अनाशवान है, ठीक है ना। तो वही उन्होंने कहा इसके आइडियाज जो बुक्स में होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं। ऑन द अदर हैंड, अ कंप्यूटर इज अ बट अ मशीन दैट एट बेस्ट कैन विजुअली डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ स्पेसिफिक बुक। भाई उन्होंने कहा दूसरे हाथ, भाई हमारे पास क्या है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, कॉइन हैज टू साइड्स। सो कंप्यूटर जो होती है बस एक मशीन है, दैट एट बेस्ट कैन विजुअली डिस्प्ले, विजुअली वो डिस्प्ले अच्छा करती है कंटेंट को, स्पेसिफिक ऑफ अ स्पेसिफिक बुक। अ गुड बुक इन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन, ठीक है, जॉन मिल्टन ने एक चीज कही थी, क्या कहा था उन्होंने, कहा था जो बुक्स होती हैं वो क्या होती है, इज अ प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट, ठीक है ना, कीमती भाई क्या होती है, खून का काम करती है, जिंदगी में खून का काम करती है, मास्टर करने के लिए स्पिरिट पर, इम्ब्लैम्ड या फिर ट्रेजर्ड अप टू अ पर्पस, टू अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या थी, इन्होंने डी ऑप्शन में क्वालिटी बताई है। बनीवाल, अगर आपको बोरिंग लगता है सोचकर देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे अरेंज करोगे, बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से ये बताना है। टू थिंक दैट अ कंप्यूटर वुड वन डे रिप्लेस अ बुक इज इंडीड अनथिंकेबल एंड फार फेच्ड। थॉट्स एंड आइडियाज कंटेन्ड इन अ बुक आर इमोर्टल लाइक तुलसीदास रामचरितमानस एंड वेदव्यास महाभारत, ठीक है। अब बताइए गाइस क्या होगा, इसका कौन सा ऑप्शन आप सबसे पहले लोगे, मेरे को लगता है आप लोग ए में जाओगे, है ना। तो आप लोगों का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी। पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जो पैराग्राफ है ये सारा के सारा किसके बारे में है, बुक्स के बारे में है। यहाँ पर आएगा डी, अ गुड बुक इन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट एम्ब्लेम्ड एंड ट्रेजर्ड अप टू अ पर्पस टू लाइफ बियॉन्ड लाइफ, ठीक है। फिर आपका बी ऑप्शन आएगा, द थॉट्स एंड आइडियाज कंटेन इन अ बुक आर इमोर्टल लाइक तुलसीदास रामचरित मानस वेद व्यास महाभारत एंड द बाइबल एंड मैनी अनदर रिलीजियस एंड लिटरेरी वर्क्स, ठीक है, बी आ गया आपका। फिर आपका सी ऑप्शन है, ऑन द अदर हैंड अ कंप्यूटर क्या होता है, इज अ बटा मशीन दैट एट बेस्ट कैन विजुअली डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ स्पेसिफिक बुक, एंड आफ्टर दैट आपका ए ऑप्शन आएगा, थिंक दैट अ कंप्यूटर वुड वन डे रिप्लेस अ बुक इज इनडीड अनथिंकेबल एंड फार फेच्ड, दैट वुड बी द राइट वन। चलिए एडियम, ठीक है, एक एडियम आया है हमारे यहाँ पर, कौन सा एडियम है, फेस अप टू, ठीक है, एडियम आ रहा है फेस अप टू। आल्टर द फेस ऑफ मतलब क्या है, इसका एडियम है, मुहावरा है, इसका क्या मतलब होगा, आल्टर द फेस ऑफ टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन लुक इन टू या फिर पर्सनली, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। अब इस एडियम का क्या होगा भाई राइट ऑप्शन, चलो किसी को लग रहा था ना भाई बोरिंग है क्वेश्चन, आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया, फेस करो भाई किसी चीज को, फेस अप टू मतलब क्या है, फेस पर आ जाए वो चीज, याद रखना, कैसे याद रख सकते हो, फेस अप हो गया, देखा तो भाई ऊपर को देखा तो क्या था, लड़की नहीं थी, डिफिकल्ट सिचुएशन हुई, तो हम लोग सामना करें, फेस करें, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन का, तो क्या कहते हैं, फेस अप टू, ठीक है, आई एम रेडी टू फेस अप टू, ठीक है, आई एम रेडी टू फेस अप थिंग्स। चलिए बताइए गाइस बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया दिनेश, बहुत बढ़िया, आगे बाकी क्या राइट ऑप्शन देने वाले हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विदाउट एनी डिले, बी ऑप्शन, द न्यूज़पेपर डेडिकेटेड अ रिपोर्ट, यहां पर उन्हें कहा है अंडरलाइन किए गए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जब आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है ना पेपर का, जैसे बेनीवाल है, बेनीवाल कौन सा आप लोग कर रहे हो एग्जाम को, कौन सा क्रैक करना है आपने एग्जाम, ये जरूर बताना। यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया, अ रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ डिसीज्ड, डिजीज लिखा हुआ है, डिसीज भाई एक रिपोर्ट जो क्या दे रही है, न्यूज दे रही है डेथ के बारे में और डिटेल दे रही है किसके बारे में, लाइफ ऑफ डिसीज, डेडिकेट करती है भाई ये न्यूज़पेपर, क्या होगा राइट ऑप्शन, फोरकास्ट, ऑबिट्री, इलस्ट्रेशन, एडिटोरियल,
ओबिट्री क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। एडिटोरियल आपको पता होगा, इलस्ट्रेशन भाई एक्सप्लेन करना, इलस्ट्रेट करना है ना। फोरकास्ट होती है भविष्यवाणी। उन्होंने कहा द न्यूज पेपर डेडिकेटेड किसके लिए यूज किया, पहले तो ये बात हुई कि न्यूज पेपर की बात हुई, फिर डेडिकेट करना एक रिपोर्ट के, गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ, ऐसी कोई रिपोर्ट जो कि क्या देती हो, डेथ के बारे में न्यूज देती हो, ठीक है। एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिसीज, बंदा जो भी मर गया उसके बारे में भाई बताती हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऐसी न्यूज पेपर को क्या कहेंगे बेटा बताओ। ओके दैट इज रियली गुड एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। चलिए बताइए यहाँ पर राइट क्या ऑप्शन होगा। अरे वाह दिनेश ने बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिया, बड़ी जल्दी। ऑब्टुरी, ठीक है। ऑब्टुरी सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रेफरेंस डेवलप बिगनिंग कमिटी, क्या होगा बेटा राइट ऑप्शन। इनकरेक्टली स्पेलिंग किसके, मतलब स्पेलिंग किसके सही नहीं, रेफरेंस के स्पेलिंग नहीं सही, डेवलप के स्पेलिंग नहीं सही, डेवलप या फिर बिगनिंग के स्पेलिंग नहीं सही, कमिटी के स्पेलिंग नहीं सही, किसके स्पेलिंग नहीं सही है बताइए। मुंह मेरे ज्यादा ही ऊपर हो गया था ना ऐसे उठकर जल्दी से बताना स्पेलिंग किसके नहीं सही। बहुत गाइस यहाँ पर आप लोग देखो डेवलप सही है, बिगनिंग सही है, बिगिन से इनिंग, कमेटी बहुत बढ़िया। तो आप लोगों के यहाँ पर रेफरेंस की स्पेलिंग सही नहीं है। अच्छा चलो मैं एक कोई ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पर छोटी सी चीज बता देती हूँ। चल आपका पेन मेरा कितने, रुको पेन गिर जाता है बार बार, तो देखिए वो होता है ना माइक ड्रॉप, तुम्हें याद आया पेन ड्रॉप। चलिए डेवलप, ठीक है ड्वेल्थ तो आप लोगों को क्लियर होगा, बिगनिंग आया आप लोगों का 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए दिमाग होगा कि बिगनिंग की स्पेलिंग सही है कि नहीं, है ना। कईयों को तो बहुत एक्सपर्ट है इंग्लिश में, कई लोग नहीं होंगे, तो उनके लिए चीज है। जब भी आपके दो कॉन्सोनेंट्स आपस में टकराते हैं, दो कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गए, एन एन हो गया, एम एम हो गया, ये आपस में टकरा रहे हैं, यस मैम, बच्चे ये दोनों इकट्ठे आएंगे, सिंगल नहीं रहेंगे वो, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स कभी सिंगल नहीं फिर आएंगे, डबल कॉन्सोनेंट मतलब डबल डबल, डबल एल, डबल एन, डबल डी, डबल पी, ठीक है। हाँ जी गलती कहाँ होती है, जहां पर आपका ई आई टकरा जाए, ए ई टकरा जाए, फिर चेंजेस आते हैं, याद रखना चेंजेस कॉन्सोनेंट्स के नहीं आते, एल एल टकराए तो इकट्ठे आएंगे, ये चीज रखना। बिगिनिंग कमेटी, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा बाकी जो व्यूअर्स हैं वो कब आंसर देने वाले हैं अभी। He invited to me his place yesterday, क्या करना है, पैसिव वॉइस बनानी है, सिंपल सी है चीज, निकल जल्दी से बताइएगा। कोई बात नहीं, नहीं भी आएगी तो दोबारा आपको समझाया जाएगा, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। चलिए बताइएगा क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। He invited to me to his place yesterday. उन्होंने मुझे invite किया था अपने place पर, अपनी जगह पर भाई invite किया था। कब invite किया था, कल किया था। चलिए invited me to his place yesterday. तो कोई कह रहा है मैम ए ऑप्शन एंड someone is saying another option। चलिए देखते हैं invited आ गया। सबसे पहले मैंने कहा जब भी एक्टिव टू पैसिव करते हो कहीं ध्यान नहीं देना, सबसे पहले तुम लोगों ने वर्ब पर ध्यान देना है। किसके ऊपर, वर्ब पर, वर्ब, वर्ब कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, वर्ब पर ध्यान देना है। तो वो कैसी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्लियर एवरीवन, यस मैम यहाँ तक क्लियर है हमें। तो इनवाइटेड आया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई, तो भाई ये कौन सा हो गया मैम, पास्ट हो गया, ठीक है। जब पास्ट होगा तो अगर आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है एक्टिव में, व्हेन इट कम्स टू द पैसिव वॉइस देन आप लोगों का यहाँ पर लगेगा वॉज लगता है, और साथ में क्या लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाती है, यहां तक याद रखना। चलो अब ढूंढो इस चीज को पूरे सेंटेंस में, यहां पर तुमको सी में भी दिखेगी ये चीज, डी में भी दिखेगी, बी में बिल्कुल नहीं दिखेगी, तो बिल्कुल यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, आई वॉज इन्वाइटेड आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर मी आया है, तो मी बेटा आपका ऑब्जेक्ट है, यहां तक रखिए अपना जो ये है ना ध्यान रखना है, तो यहां पर आ जाओ, यहां पर मत रखो, यहां तक रखो, ही इन्वाइटेड मी, आई वॉज इन्वाइटेड बाय हिम, कहां पर, To his place yesterday, या I was invited, या to his place I was invited yesterday. अच्छा अब confusion क्या आई, जो ये चीज बच गई है, to his place बच गया, क्या ये आगे आ सकता है, इस चीज पर आपको confusion आती होगी, तो आप लोग एकदम क्लियर रहिए। अगर आपको ऐसी कोई एक्स्ट्रा सी इंफॉर्मेशन, मैं बार बार इसको ना इसी भाषा में बोलती हूँ कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है,
तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा ही कोई बात कर रहा है, मैं कहती हूँ जितना काम हो उतना ही बोलो, मेरे जैसे कोई ज्यादा ही बोलता हो, बहुत जिसको बोलना पसंद हो, बहुत ज्यादा टॉकटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उज्जवल स्वागत है, तो यहाँ पर उसको क्या करना है, टू हिज प्लेस यस्टरडे, जो है ना टू हिज प्लेस यस्टरडे, वो पीछे आता है ना उस चीज को, तो पीछे ही रहने दो। मैं कह रही हूँ जो तो ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा जो फालतू की बात की हो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, तो वो चीज आपकी पीछे रहेगी, जितना आपको मेन मेन काम है उसको पहले आप लोग प्रेफरेंस में रखो। तो दैट्स व्हाई मी से अपना शुरुआत करेंगे, मी का जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये जब आगे आएगा तो उसका क्या बन जाएगा मैम, आई बन जाएगा। इन्वाइटेड था, सिंपल पास्ट था, तो आप लोगों का वॉज इन्वाइटेड बना, बाय बन गया एंड हिम लग गया, उसके बाद जो एज इट इज है उसको लिख दो। कोई प्रॉब्लम हुई बताइए गाइस, कोई प्रॉब्लम हुई? अच्छा क्यों उज्ज्वल, क्या हो गया? और मुझे किसी ने कोई वर्ड दिया है यहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रवि, कोई बात नहीं, इसका बदला लिया जाएगा। आई एम टॉकटिव तो मैं कह रही हूँ गैरुलस, ओके चलिए गाइस, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? तो एकदम यहाँ तक ध्यान में रखना, चलिए आ गया, गया परसेप्शन आ गया, किसके बारे में बात हो रही है बेटा, आप लोग के नजरिए के बारे में बात हो रही। चलिए, द परसेप्शन ऑफ सक्सेस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब यहाँ से बताइए मुझे कहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर एरर हो सकता है, कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, चलो बताओ मुझे कहाँ पे लगता है आपको एरर हो सकती है। कह रहे हैं जो परसेप्शन होता है, किसी के देखने का नजरिया होता है, वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है भाई, डिफरेंट होता है, अलग अलग वेरी करता है, है ना? तो वेरी तो करता है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि भाई कहाँ पर रॉन्ग होगा ये सेंटेंस? हम मैराथन चल रही है, यू कैन बट यहाँ पे तो ऑनलाइन है। चलिए, परसेप्शन होता है नजरिया, ठीक है। सक्सेस का नजरिया जो है वेरी करता है भाई, अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन मैंने कहा। तो क्या आपका वर्ड आएगा बच्चा, यहाँ पर आप लोगों का वर्ड आएगा डाइवर्स, होता है अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइवर्स आना चाहिए था, डिफरेंट आना चाहिए, डिफर आना चाहिए था वर्ड आपका, ठीक है। और ये लिया गया वेरी, तो वेरी का यहाँ मतलब डाइवर्स, ठीक है। तो आपको वर्ड आना चाहिए था सूटेबल वर्ड, यहाँ पर डिफर आना चाहिए था। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ऑफ सक्सेस नहीं, ठीक है यहाँ पर। तो गाइज ये थी आज की क्लास, आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर हम लोग वाइंड अप करेंगे क्लास को, थोड़ा सा देख लीजिए क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है जरूर बताना कमेंट कर कर। और अगर आप लोग चाहते हैं कोई और भी टॉपिक लाया जाए, कोई कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर नहीं है तो वो कंसेप्ट आपको कराया जाएगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई हैव अनदर क्लास कहाँ पर है, 2.0 पर, जो बच्चे जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी स्पेशली, तो आप लोग मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दिनेश, दिमाग में रखी जाएगी बात और आपकी जो है ये चीज कही जाएगी ऑफिस में, और मैं बात करती हूँ यहाँ पर, अगर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है राजस्थान में तो बिल्कुल ले लूंगी। और हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। उज्ज्वल, हाँ तो सीटेट की बेटा भाई क्या लग रही है, मैराथन्स लग रही है। अरे यार चलो सुन लो, सीटेट की क्या लग रही है बेटा, मैराथन लग रही है, सो दैट्स व्हाई वहां पर क्लासेस नहीं हो पा रही मेरी, ठीक है ना, वहां पर मेरी इतनी क्लासेस नहीं हो पा रही, लगातार मैराथन है, तो हिंदी की मैराथन लगी हुई है आज भी, इसको ज्वाइन कीजिएगा। मंडे लगी है आपकी मैराथन इंग्लिश की सीटेट के पेपर के लिए, तो बिल्कुल उसको ज्वाइन करना नहीं भूलना, 2 बजे लगनी है मैराथन। तो बाय टाइम टेक केयर, गुड बाय गाइस, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।
Not